साइबर सिटी गुरुग्राम में सड़क दुर्घटनाएं थमने का नाम ही नहीं ले रही है। आए दिन ऐसी दर्दनाक खौफनाक तस्वीरें सामने आती है जिसे देखकर देखने वाले की रूह कांप जाती है। ताज़ा मामला गुरुग्राम के फरुखनगर थाना क्षेत्र का सामने आया, जहां पर एक बस और एक बलेनो गाड़ी की भिड़ंत हो गई और जिनमें जिस दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। देखिए हमारी ये खास खबर। घटना सुबह करीब 6 से 7 बजे की है, जब खेटावास पेट्रोल पंप के सामने वजीपुर से फरुखनगर जा रही फरीदाबाद नंबर बलिनो कार ने तेजी से यू टर्न लिया और फरुखनगर से गुरुग्राम आती तेज रफ्तार बस से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार में बैठे 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जिनमें से एक युवक को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो बता दें आपको कि 4 युवक वजीरपुर इलाके में दोस्त की पार्टी में आए थे और वापस लौटते वक्त ये हादसा हुआ था। वहीं एसीपी प्रीतपाल सिंह की माने तो हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है और एक की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है और पुलिस ने गाड़ी को और बस को कब्जे में लेकर आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है। एक हमारे यहाँ फरुखनगर पुलिस स्टेशन के इलाके में आज सुबह 4 बजे के करीब एक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 4 बच्चे थे, वो एक गाड़ी में सवार थे और उसकी एक बस के साथ टक्कर हुई है, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई है और एक घायल है। उनकी पहचान करके और उसमें जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो की जा रही है और उसके बाद ही आगे डिटेल के बारे में पता करके आपको जानकारी दी जा सके। लापरवाही का रॉन्ग टर्न, ऐसा हम नहीं बल्कि सीसीटीवी में कैद तस्वीरें खुद बयां करने में लगी हुई है कि कैसी। पेट्रोल पंप के सामने H451 CFR271 बलिनो गाड़ी में बगैर सड़क के दूसरी ओर देखे तेजी से रॉन्ग टर्न लिया गया और सामने आती तेज रफ्तार बस टकरा गई। हालांकि बस चालक ने कार को बचाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन तेज ब्रेक भी लगाए, लेकिन तब तक बस की टक्कर कार के बीचों बीच लगी और कार पलटती हुई सड़क के किनारे पर जा लगी। इस हादसे में जसवंत, अवीन, पारस और अभिषेक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो वहीं पुलिस की माने तो मृतक फरुखनगर के खेटावास के यदुवंशी रिजॉर्ट में दोस्त के जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए गुरुग्राम आए थे और सड़क हादसे का शिकार हो गए। आपको बता दें कि जिला प्रशासन आए दिन ऐसी दुर्घटनाओं से बचने के लिए नई नई तकनीकें इस्तेमाल करता है, परंतु रोड पर चलते हुए थोड़ी सी चूक के कारण ऐसे दर्दनाक हादसे हो जाते हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24 के माध्यम से जनता को यही अपील करेंगे कि आपने वो श्लोक तो सुना ही होगा कि दुर्घटना से देर भली, इसलिए अपने लिए ही नहीं अपने परिवार के लिए ही सड़क के नियमों का ही उल्लंघन ना करें और ऐसी दुर्घटनाओं से बचें। गुरुग्राम से न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24 के लिए हिमांशु।